दिल्ली भारत की राजधानी व इतिहास और आधुनिकता का केंद्र है। दिलवालों का शहर दिल्ली, यहाँ की हर एक गली का अपना एक अंदाज है। मंदिरों से लेकर के चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिद तक हर चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। एक ऐसी जगह जहाँ हर तरह की संस्कृति का मिश्रण है और कोई भेदभाव नहीं है। दिल्ली पर्यटन स्थल आपको एक ही स्थान पर हर धर्म की सैर करा देगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की 10 ऐसी जगहों के बारे में जो काफ़ी फेमस हैं और हमें वहां घूमने जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दिल्ली की उन ऐसी 10 जगहों के बारे में जहाँ पर हमें घूमने ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 10 पर है दोस्तों रेल म्यूज़ियम। पुरानी रेलों को विरासत के तौर पर यहाँ रखा गया है, जिसमें कुछ टॉय ट्रेन भी शामिल हैं। इसमें डीजल इंजन व स्टीम इंजन से चलने वाली रेल भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको शाही रेलों की सैर के साथ साथ रेस्टोरेंट में अच्छा भोजन भी मिल जाएगा। और हाँ, तस्वीरें खींचना तो यहाँ बिल्कुल मत भूलिएगा। इनमें से कुछ रेलों की राइड आपको रोमांचित कर देगी। बच्चों के लिए यह स्थान सबसे उचित स्थान है। दोस्तों, इस रेल म्यूजियम में आपको रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, इस रेल म्यूजियम में रेलवे की विरासत को संजो के रखा गया है। आप यहां पर रेलवे से संबंधित सभी जानकारी को नजदीकी से जान सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको समय मिले तो रेल नेशनल रेल म्यूजियम में आप जरूर आएं। नंबर 9 पर है दोस्तों जामा मस्जिद। भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक यह पुरानी दिल्ली में स्थित है। इंडो इस्लामिक और मुगल वास्तुकला से बना यह मस्जिद शाहजहां का सबसे प्राचीन इमारत है। यहां एक समय पर 25,000 श्रद्धालु अपनी आस्था को रास्ता देते हैं। ईद पर लोगों की यहां भारी भीड़ उमड़ती है, पर अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह के वक्त यहाँ आना उचित होगा। प्रवेश करने के लिए आपको किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है, यह एकदम मुफ्त है। यदि आप कैमरा अंदर ले जाना चाहते हैं तो आपको शुल्क अदा करना पड़ेगा। जामा मस्जिद लाल किला के एकदम ठीक सामने है। यदि आप लाल किला घूमने आते हैं तो साथ में जामा मस्जिद भी घूम सकते हैं। नंबर 8 पर है दोस्तों कमल मंदिर। बहाई स्थल कही जाने वाली यह जगह उपासना का केंद्र है। यहाँ आपको एकदम शांत माहौल मिलेगा। वैसे तो यह उपासना स्थल है, पर यहाँ किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि उपासना करने के लिए किसी भगवान के नाम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है और यहाँ कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जाता है। कमल का फूल शांति व पवित्रता का प्रतीक है, इसी को दिमाग में रखते हुए इस स्थान का निर्माण किया गया है। नंबर 7 पर है दोस्तों इस्कॉन मंदिर। अपनी भव्यता का प्रदर्शन करता यह मंदिर आपको बेहद रोमांचक लगेगा। भगवान श्री कृष्ण व राधा को समर्पित यह मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर दुल्हन की तरह सजता है। यह सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र नहीं, बल्कि यह म्यूजियम, रेस्टोरेंट व शादी पार्टियों का भी केंद्र है। शाम के वक्त रंगीन लाइटों से सुशोभित मंदिर आपको हैरान कर देगा, इसलिए यह लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पंडितों द्वारा बहुत कड़े नियमों से पूजा पाठ का आयोजन होता है। नंबर 6 पर है दोस्तों छतरपुर मंदिर। दक्षिण दिल्ली में स्थित यह मंदिर आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शिव, पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी जैसे कई भगवानों की भव्य मूर्ति आपको भक्ति की दुनिया में ढकेल देंगी। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप यहाँ आकर अपनी भक्ति में लीन हो सकते हैं। आपके मन को अत्यंत शांति मिलेगी। मुख्यतः यह मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है। 70 एकड़ की जमीन पर फैले इस मंदिर की वास्तुकला भी सराहनीय है। नंबर 5 पर है दोस्तों अक्षरधाम मंदिर। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में शामिल यह स्वामी नारायण मंदिर आपको भौचक्का कर देगा। एक बार अंदर घुसने के बाद आप इसके हर कोने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। यह सबसे मशहूर दिल्ली का पर्यटन स्थल है। आप यहां आकर बाहरी दुनिया को पूरी तरह कुछ समय के लिए भूल जाएंगे।
ये मंदिर अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसमें नौका विहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम के समय होता है वाटर शो। ये सभी आपको बेहद आनंद से भर देंगे अगर आप समय निकाल कर आएंगे। यहाँ मौजूद हर कोने को बखूबी परख पाएंगे। सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक यह मंदिर आम जनता के लिए खुला रहता है। नंबर 4 पर है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। शताब्दियों बाद भी अपनी सुंदरता बरकरार रखे हुए इस स्थान को हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। लाल पत्थर व संगमरमर के संगम से बना यह मकबरा भी मुगल वास्तुकला का प्रशंसनीय उदाहरण है। यहाँ हुमायूं के साथ ही साथ मुगलों के कुछ खास सदस्यों की समाधि बनाई गई है। ऊंची ऊंची पथरीली पहाड़ियाँ, बड़े बड़े कलात्मक दरवाजे प्राचीनता को बखूबी दर्शाते हैं। चारों तरफ हरी घास और घने पेड़ों से समाहित चबूतरे घरों की याद दिलाते हैं। नंबर 3 पर है दोस्तों कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई यह इमारत दिल्ली की ऊंची इमारतों में से एक है। यह ईरानी वास्तुकला का भव्य उदाहरण है, जिसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यह सबसे नामी पर्यटन स्थल है। इसके समीप ही एक लौह स्तंभ बना है, जिसकी खासियत यह है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा। आसपास हरियाली व पिकनिक स्थल के तौर पर भी लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। नंबर 2 पर है दोस्तों इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन की सीध में बना हुआ यह स्थान प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बनवाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस पर उन शहीदों के नामों को भी लिखा गया है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। अगर आप दिल्ली दर्शन के लिए आए तो इंडिया गेट घूमने जरूर जाएं। अपने देश प्रेम को थोड़ा जागृत करते हुए आप इस वीरता के गवाह बन सकते हैं। आसपास बना हुआ सुंदर बगीचा और इसमें होती चहल पहल भी आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। नंबर 1 पर है दोस्तों लाल किला। मुगल वास्तुकला द्वारा बलुआ पत्थर से बना सुंदर किला यात्रियों को आकर्षित करने का मुख्य स्थान है। यह बहुत सी अलग अलग तरह की जगह का संगम है। आपको इसमें संग्रहालय देखने को भी मिल जाएगा व पारंपरिक हस्तशिल्प व सजावटी सामान, कृत्रिम गहने आदि इसके मीना बाजार में जगमगाते हुए मिलेंगे। कारीगरों ने इतनी महीनता से इसका हर कोना उकेरा है कि तारीफ के बिना आपसे रहा नहीं जाएगा। यहां आकर आप दिल्ली के फोटो लेकर एक सुंदर नज़ारा अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। शाम के वक्त यहां का लाइट और साउंड शो आपको बेहद पसंद आएगा। यह सबसे प्रसिद्ध दिल्ली का पर्यटन स्थल है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।